नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार कार्बनिक रसायन के प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। 50 प्रश्न इससे पहले देख चुके हैं। साइड में बटन पिछला पहला पार्ट इसका मिल जाएगा। आज हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके मिश्रित वाले भी इसमें कराएंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। इससे पहले अच्छा अकार्बनिक रसायन के अलग से हमने कराए थे 100 के करीब प्रश्न, वो सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रश्न है आपका, गोबर गैस में मुख्यतः इनमें से कौन सी गैस होती है? मीथेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन। आंसर आपका पहला यानी कि मीथेन गैस जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। गोबर गैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को बायोगैस में बदल देते हैं। मीथेन एक रंगीन गंधहीन गैस है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। एक ग्रीन हाउस गैस भी है और इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस यूज होती है? गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस यूज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है? ग्रीन अल्कोहल, पावर अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। आंसर आपका मिथाइल अल्कोहल जो है वो सही होगा। मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। इसे पहले प्रायः लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है इसलिए इसे वुड स्प्रिट या कास्ट अल्कोहल का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा, सेब, अमरूद या तरबूज में। आंसर हो जाएगा पहला यानी कि संतरा में। साइट्रिक एसिड संतरा में पाया जाता है, मौलिक एसिड सेब में, ऑक्जेलिक एसिड अमरूद में और अमीनो एसिड टॉलुइन तरबूज में। अगला है कि बेकेलाइट इनमें से किसके संघनन से बनता है? यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल तथा एसेटाल्डिहाइड, मेलामिन एवं फॉर्मेल्डिहाइड। आंसर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड आपका सही होगा। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? पॉली ऑक्सी बेंजाइल मिथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड। इसकी खोज 1907 में हुई थी, बेल्जियम के रसायन वैज्ञानिक लियो बेकेलैंड ने की थी। अगला है आपका, सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त में लाई जाती है? ब्यूटेन, मीथेन या प्रोपेन या रेडॉन, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर पहला ब्यूटेन यहाँ पर सही होगा। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस जो कि तरल और ज्वलनशील रूप में होती है इसका यूज किया जाता है। ब्यूटेन जो गैस है इसका फॉर्मूला C4H10 होता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल, मिथाइल या एसिटिक या क्लोरोफिल। आंसर एथाइल अल्कोहल यहाँ पर सही होगा। औद्योगिक विधि में शक्कर के किण्वन के द्वारा एथाइल अथवा एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। एक रंगहीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील द्रव होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना, मादक द्रव, शराब के रूप में यूज किया जाता है और यूज इसका सरकरा, सिरका और शराब बनाने में, मोटर और हवाई जहाज में ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन बनाने में, इत्र और अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में, विलायक के रूप में। मेथिल अल्कोहल को सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा बनाया गया था, ये चीज बता चुके हैं। ये लौंग के तेल और कई फलों में भी पाया जाता है। अगला है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इनमें से क्या है? तो पाइरुविक एसिड, एसिटाल्डिहाइड या फिर एथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड। आंसर की बात करें एथिल अल्कोहल आपका यह सही हो जाएगा या एथाइल अल्कोहल इसे जो है वो कहते हैं। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है इसलिए इसे मादक द्रव्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। बाकी फार्मिक एसिड होता है लाल चींटियों में, बर्रे और बिच्छू वगैरह में यूज, जीवाणुनाशक में भी होता है इसका। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन। आंसर यहाँ पर बी और डी दोनों होगा। बी मतलब एसिटिलीन गैस और डी मतलब एथिलीन गैस। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस एथिलीन है। एथिलीन C2H4 कच्चे फलों को पकाने, उनके संरक्षण में, विषैली मस्टर्ड गैस बनाने में, कृत्रिम रबर और पॉलिथीन बनाने में, सामान्य निषेधक के रूप में भी यूज की जाती है। ये प्लास्टिक बनाने में भी उपयोग की जाती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और एसिटिलीन की अगर बात करें तो धातुओं को जोड़ना काटना है और या फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में, नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने में, पॉली विनाइल क्लोराइड PVC, पॉली विनाइल ईथर बनाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, इन सभी में प्रयोग में लाई जाती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाई मोनो तो बिल्कुल नहीं होगी, मीथेन या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। तो मीथेन गैस जो है यही आपका सही होगा।
मोनो तो जहरीली गैस है, वो तो बिल्कुल नहीं होगी। तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली कार्बन जो गोबर गैस है उसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है, ये रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको इसीलिए कारण से मार्स गैस भी कहते हैं। यूज इसका मेथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट, कार्बन की छड़े आदि बनाने में किया जाता है। अगला, घरेलू एलपीजी जो सिलेंडर है उसमें दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत महंगे होते हैं, एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो आंसर, ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ये सही होगा। तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम गैस जो होता है एलपीजी, सामान्यतः एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तरल पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन है। इस प्रकार पेट्रोलियम गैस या एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है जिसे दाब डालकर द्रवित किया जाता है। ये गैस घरों में रसोई के ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इनमें से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में हाइड्रोक्लोरिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक एसिटिक, आंसर एसिटिक एसिड आपका सही हो जाएगा। इसका यूज विलायक के रूप में भी होता है, एसीटोन बनाने में होता है, खट्टे पदार्थ बनाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, अम्लराज बनाने में भी होता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, इसका यूज धातुओं को साफ करने में होता है, खाद्य और कपड़ा उद्योग में भी होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत सॉरेल का वृक्ष होता है, इसका यूज फोटोग्राफी में जो है वो होता है, कपड़ों की छपाई और रंगाई में होता है, चमड़े के व्यंजक के रूप में भी होता है। इनमें से किसमें कार्बन नहीं है आपसे पूछा गया? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, कार्बन नहीं है तो सभी में ही है। हीरा में भी कार्बन का अपर रूप है, आपेक्षिक घनत्व 3.5 होता है उसमें, और विद्युत का कुचालक होता है ये हीरा। और ग्रेफाइट आपका जो होता है स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, आपेक्षिक घनत्व 2.5 होता है, कागज पर रगड़ने से काला चिन्ह पड़ जाता है। कोयला की अगर बात करते हैं तो यह कार्बनिक खनिज है, इसे कार्बन की परसेंटेज मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा भी गया है। पीट कोयला 40%, लिग्नाइट 55%, बिटुमिनस 65% और एंथ्रेसाइट 85%। तो ये जो परसेंटेज है वो कार्बन की परसेंटेज है। अगला है, सूची दे रखी क्रैकिंग, स्मेल्टिंग, हाइड्रोजनेशन, वल्कनाइजेशन और रबर, पेट्रोलियम, कॉपर, खाद्य रसायन। सही मिलान करना है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। डायरेक्ट हम आंसर की बात करते हैं, क्रैकिंग पेट्रोलियम हो जाएगा, स्मेल्टिंग कॉपर हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन खाद्य रसायन हो जाएगा और वल्कनाइजेशन तो कल कराए थे आपको क्वेश्चन, रबर हो जाएगा। कोयले का उपयोग होता है जलाने में, खाने में, दीवार बनाने में, नाव बनाने में। आंसर यहाँ पर आपका जलाने में जो है वो सही होगा। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक या मुक्त कार्बन का मिश्रण है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि अनवीकरणीय स्रोत से आपके पेपर में आया था TRE3 में क्वेश्चन। कोयला की चार किस्में में बिटुमिनस जिसे मुलायम कोयला भी कहते हैं सामान्यतः निम्न कोटि का होता है, एंथ्रेसाइट कोयला उच्च कोटि का होता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, पीट कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है इसलिए इसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है। कोयले का यूज ईंधन के रूप में होता है वो तो आपको पता ही है, संश्लेषित पेट्रोल में भी। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक, एसिटिक, साइट्रिक या ऑक्जेलिक? आंसर आपका हो जाएगा साइट्रिक एसिड। टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड और मॉलिक एसिड होता है जिसके कारण ये प्रति अम्ल या एंटी एसिड के रूप में भी काम करता है। विटामिन सी की मात्रा भी टमाटर में देखने को मिलती है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है, CHO, CNO, CHN, CHNO? आंसर यहाँ पर CHNO यहाँ पर सही हो जाएगा, NH2CO करके यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी तत्व पाए जाते हैं। अगला है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है, एस्टर है। आंसर यहाँ पर एस्टर जो है वो सही होगा, नाइट्रोग्लिसरीन आपका एक एस्टर है। एस्टर वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो अम्लो कार्बनिक या अकार्बनिक से उत्पन्न होते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैली द्रव है, ये डायनामाइट बनाने के काम में आपका आता है, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। अगला, यूरिया की पहचान किससे की जा सकती है, बायोरेट परीक्षण, बेनेडिक्ट परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, मूलिकन परीक्षण? आंसर ऑप्शन पहला यानी कि बायोरेट परीक्षण जो है वो सही हो जाएगा। मूलिकन बारकर टेस्ट का यूज किया जाता है दिए गए पदार्थ में मोनो नाइट्रो समूह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। ल्यूकास परीक्षण का यूज किया जाता है अल्कोहल के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी की पहचान के लिए। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रेक्टोज C2H5OH में कन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज, डाइस्टेज? आंसर हो जाएगा आपका जाइमेज।
जाइमाइज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होता है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, मानव शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किण्वन के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। अगला कह रहा है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रोइन या विनाइल एसिटेट, स्टाइरीन या प्रोपीन। आंसर यहाँ पर आइसोप्रीन यहाँ पर जो है वो सही होगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर मुख्य रूप से रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में पाया जाता है। लेटेक्स एक चिपचिपा दूधिया तरल पदार्थ है जो वाणिज्यिक प्रसंस्करण के लिए तैयार रबर में प्रयुक्त होता है। थाईलैंड दुनिया में अग्रणी रबर उत्पादक देश है। अगला है जैविक परिरक्षक में मुख्यतः होता है एथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया या क्लोरीन। तो फॉर्मल्डिहाइड आपका सही हो जाएगा। जैविक परिरक्षक में मुख्यतः फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। बाकी अगर देखेंगे तो जैविक परिरक्षक के माध्यम से खाद्य सामग्री को उपचारित करके अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जाता है। सड़ी हुई दुर्गंध पैदा करने वाली वसा के ऑक्सीकरण की गति को धीमा कर दिया जाता है। इसके प्रयोग से खाद्य सामग्री अधिक समय तक सुरक्षित बनी रहती है। एथिल अल्कोहल का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। अमोनिया का यूज अमोनियम सल्फेट, यूरिया आदि बनाने में किया जाता है। क्लोरीन का यूज दवाओं के निर्माण और जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है, 3, 3, 3, 6, 12, 3 या 12, 6। आंसर 12, 3 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। सूत्र क्या होता है इसका, C6H6 बेंजीन का। 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु इसमें होते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। अगला अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो वेल्डिंग होती है उसमें प्रयोग होने वाली गैसेस कौन सी होती हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो सभी लोग लाइक शेयर भी करते रहिएगा। लाइक का टारगेट 400 लाइक का है, जल्दी से कंप्लीट सभी लोग कर दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और साथ ही इससे पहले जो भेज चुके हैं वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन ऑक्सीजन और एसिटिलीन आपका सही होगा। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों का प्रयोग होता है। जलाई या वेल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया चीजों को जोड़ने के काम में आता है। वेल्डिंग द्वारा मुख्यतः धातुएं तथा थर्मोप्लास्टिक जोड़े जाते हैं। इस प्रक्रिया में संबंधित टुकड़े को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर एक फिलर सामग्री को भी पिघला कर मिलाया जाता है, फिर एक पिघली हुई जो धातु है और फिलर सामग्री ठंडी होकर एक मजबूत जोड़ बना देती है। वेल्डिंग प्रक्रिया के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, कुट्टित वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, लेजर किरण वेल्डिंग, इस तरीके से। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। 2 परमाणु मतलब एल्कीन, 1 परमाणु मतलब एल्केन और 3 मतलब एल्काइन। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु होते हैं एल्कीन होता है। ये एक असंतृप्त रासायनिक यौगिक है। एल्कीनों का सूत्र होता है CnH2n। एल्केन में कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध से जुड़े होते हैं और इस एल्कोनों का जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है एल्केन का। और जो एल्काइन होता है उसकी अगर बात करें तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और इसका जो बंध होता है वो त्रिबंध होता है और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अगला सिरके का रासायनिक नाम क्या है, मेथनॉल, एथेनॉल या एसिटिक या एथिल एसिटेट। तो एसिटेट एसिटिक अम्ल आपका सही हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम, कार्बनिक अम्लों में यह प्रमुख अम्ल है। सिरके का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल के कारण ही आपका होता है। और बाकी निर्माण की 3 विधियां होती है, एक एसिटिलीन से, एक लकड़ी के भंजक आसवन से और गन्ने के तथा गन्ने के रस या एथिल अल्कोहल के किण्वन से यूज किया जाता है। सेलुलोज एसिटेट के रूप में, फोटोग्राफिक फिल्म में, रेयन के निर्माण में, धातु एसिटेट बनाने में, सफेदा बेसिक कॉपर एसिटेट आदि रंजक के निर्माण में। अगला हीरा अपर रूप है सोने का, चांदी का, कार्बन का, मिट्टी का। तो कार्बन का अपर रूप होता है जिसका प्राकृतिक स्रोत होता है किम्बरलाइट पत्थर। ये सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है, ताप के और विद्युत के कुचालक होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता बहुत है। इस पर अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका यूज आभूषण बनाने, कांच काटने में किया जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे विविध प्रश्न जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन रह गए हैं उसके बाद हम विस्तृत प्रश्न यहाँ से देखेंगे। तो प्रश्न आपका है यौगिक K2O का सही नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। यूज किया जाता है उर्वरक, साबुन निर्माण, कांच उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में। NH3 का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ये 0 होती है।
यूज देखेंगे तो विस्फोटक पदार्थ, रंजक, दवाइयां आदि बनाने में इसका यूज होता है। जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, तो किसके साथ करता है, कहने का मतलब तो H3PO4 यहाँ पर जो है वो सही होगा। जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो फास्फोरिक अम्ल जो है वो बनता है, तो क्या बनता है ये यहाँ पर पूछा गया था। इसके यूज से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है क्योंकि जंग इसमें घुल जाती है। दंत चिकित्सक भी इसका यूज करते हैं दांत को साफ करने के लिए। अगला है, सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अव्यय कौन सा है। आंसर यहाँ पर कार्बन जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट में एक लाइन लिखी भी गई है कि 1784 में फ्रांस के रासायनिक जो लेवासिए थे उन्होंने सिद्ध किया था कि कार्बन प्रत्येक आर्सेनिक जो ऑर्गेनिक पदार्थ है उनका आवश्यक अंग है। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तरल की मात्रा बढ़ाने से, दबाव बढ़ाने से, घनत्व बढ़ाने से या द्रव्यमान बढ़ाने से। आंसर तरल का दबाव बढ़ाने से आपका सही हो जाएगा। किसी तरल पदार्थ पर दबाव बढ़ाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी सिद्धांत का यूज कहाँ किया जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। सही संबंध आपसे पूछा गया है फॉर्मूले को लेकर कौन सा सही है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन आपका होता है। किसी पदार्थ में इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व जो है वो कहते हैं। अगला, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है, तो इसे हम संसंजक या कोहेसिव बल के नाम से जो है वो जानते हैं। किसी पदार्थ में अणुओं को आपस में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं अंतरणविक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले अंतरणविक आकर्षण बल को संसंजक तथा भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले अंतरणविक आकर्षण बल को असंजक बल जो है वो कहते हैं। अगला है, दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, एक सा रहेगा या शून्य हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं तो निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। दबाव बढ़ाने से द्रव का जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है। द्रव में अगर अशुद्धि मिला देंगे तो उससे भी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पानी के क्वथनांक को बनाए रखता है, बढ़ाता है, कम करता है, प्रभावित नहीं करता है। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है क्योंकि दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये भी ऊपर बताया था। पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती हैं, इसका क्या कारण होता है। आंसर हो जाएगा आपका क्योंकि चिपकने वाले बल की कमी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। पानी की बूंदें तथा तैलीय पृष्ठ के बीच लगने वाला जो असंजक बल है उसका मान पानी के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से कम होने के कारण पानी की जो बूंदे हैं तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्षेपण, व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवीकरण। आंसर हो जाएगा आपका व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले पर प्रकाश के पड़ने पर वो रंगीन दिखने लगता है क्योंकि वहां पर प्रकाश का व्यतिकरण होता है जो बुलबुले के ऊपरी और निचली सतह से परस्पर व्यतिकरण के द्वारा चमकता है। और व्यतिकरण वो परिघटना है जिसमें दो तरंगे निचले उच्च स्तर या समान आयाम की परिणामी तरंग का निर्माण करते हैं, तो ये व्यतिकरण लिखा हुआ है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल इनमें से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका केशिका क्रिया प्रभाव। ब्लॉटिंग पेपर सोखता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण क्रिया प्रभाव या केशिकत्व के कारण होता है। इसमें पतला चिकना कागज होता है जो स्याही के जैसे तरल पदार्थों को अपनी सतह पर अवशोषित करता है। इस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो घटना होती है उसको कहते हैं केशिकत्व। अगला प्रश्न है, घड़ी में क्वार्ट्स क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित होता है, तो ये आधारित होता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और ये प्रभाव वो परिघटना है जिसके कारण कुछ सामग्री उन पर यांत्रिक दबाव डालने पर विद्युत आवेश उत्पन्न करती है। ये हो गए इसके बारे में एक लाइन में। अगला है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। प्राकृतिक रेडियो धर्मिता, कृत्रिम रेडियो धर्मिता, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर का आधारित ये होता है। इनमें से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर होता है, तो ये आपका ग्रेफाइट, पानी, भारी पानी। इस तरीके से ऑप्शन दे जिसमें तीनों के तीनों आपको देखने को मिलते हैं नाभिकीय रिएक्टर में जो मॉडरेटर के या मंदक के रूप में जो है वो यूज में लाए जाते हैं। काम क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देते हैं ताकि विखंडन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, अभी बताया भी, तो ये होता है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। संलयन वर्ड ऊपर आया था, संलयन विखंडन में तो संलयन होता है, उसके अलावा अनियंत्रित आपका यहाँ पर हो जाएगा।
यहाँ पर ये डेफिनेशन है कि संलयन अभिक्रिया में उच्च तापमान पर दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा इसमें विमुक्त जो है वो होती है। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो वाटर गैस CO+H2 इसका मिश्रण होता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी H2 इसका मिश्रण होता है। इसके अलावा लाल तप्त कोयले पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस का निर्माण होता है। इसको हम भाप अंगार गैस के नाम से जानते हैं। अगला है मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम आसवन जो है वो कहते हैं। और मिश्रण के विभिन्न जो द्रवीभूत घटक होते हैं उनको उपयुक्त पदार्थों पर अधिशोषण के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को वर्णलेखन या क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। यूरिया, अमोनिया, वसी अम्ल या यूरिक अम्ल? आंसर आपका यूरिक अम्ल यहाँ पर सही होगा। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को इसकी विषाक्तता के आधार पर तीन समूहों में बांटा गया है। अमोनिया का स्राव करने वाले अमोनोटैलिक, यूरिया का स्राव करने वाले यूरेथैलिक और यूरिक अम्ल का स्राव करने वाले यूरिकोटैलिक। और मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? गुआनिन होता है। दो रंगीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें कौन सी हैं? तो ये NO और O2 है। तो यहाँ पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO2 एक अत्यंत जहरीली गैस है, वो तो आपको पता ही है। अगला है आपका साबुन में आमतौर से पिथियोनल का प्रयोग इनमें से किस कारण के लिए किया जाता है? ये किया जाता है रोगाणु रोधक के रूप में। पिथियोनल का प्रयोग सामान्यतः साबुन में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। साबुन के द्वारा यह त्वचा में उपस्थित गंध या बदबू जीवाणु गठन द्वारा उत्पन्न बदबू को कम करता है। अगला है कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर इनमें से कौन सा है? तो इसे हम एस्पार्टम कहते हैं। कोल्ड जो कंडीशंस होते हैं उसकी अगर बात करें तो ठंडे पेय पदार्थों में कृत्रिम मिठास के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? एस्पार्टम, जो चीनी से भी 100 गुना अधिक मीठा होता है। इनमें से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? किसका होगा? आंसर यहाँ पर H2O जो है वो सही हो जाएगा। बाकी तो बता ही चुके हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवाजियर या सीवी रमन? आंसर यहाँ पर लेवाजियर जो है वो आपका सही हो जाएगा। ट्यूबलाइट तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बना होता है? सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ग्लास के टुकड़े? आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ग्लास सिलिका और बोरोन ट्राई ऑक्साइड से आपका बनता है, जिसे बोरोसिलिकेट ग्लास कहा जाता है। बोरोसिलिकेट तो ऑप्शन में था नहीं, इसीलिए बदल गया ऑप्शन। अगला, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड सही हो जाएगा। और ये 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइड के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया था। 2 से 3 दिसंबर 1984 को एक घटना हुई थी, काफी लोग उसमें मर गए थे। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ? तो इनमें से कौन सा तरल पदार्थ एक आधे इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा? आंसर 25% नमक तथा पानी का घोल यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रण दुरुत्साहक में मुख्यतः क्या होता है? देखा होगा ना, जैसे कई बार भीड़ को तितर बितर करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें होता है कैप्सिसिन नामक पदार्थ जो जलन और तीक्ष्ण गंध जो है उत्पन्न करता है। दीमक नियंत्रण में किस पीड़क जीवक नाशी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एल्ड्रिन का यूज। प्रतिबंधित भी कर दिया गया कई देशों में। इनमें से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में रहा है? आंसर सोडियम क्लोराइड नमक हो जाएगा। नमक आंदोलन था ना, दांडी सत्याग्रह, इसीलिए आपका क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया। भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये आपका? हैदराबाद के अंदर जो है वो स्थित है। और समय भी याद रख सकते हैं, स्थापना वर्ष 1970। उद्देश्य तो समझ में आ ही रहा है, मिसाइल उत्पादन टेक्नोलॉजी विकसित करना। अगला, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो आप कहेंगे क्लोरीन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। यूज तो बता ही चुके, ऊपर लास्ट में यूज भी लिखे हुए हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके कारण, किस आधार पर? तो कहेंगे संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। एयर कूलर में भी संपीड़ित गैस ही आपकी यूज में लाई जाती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
नलिका में भरी ऑर्गन गैस और पारे की वाष्प में विद्युत उत्सर्जन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होता है कि दोनों तंतु काफी गर्म हो चुके हों। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। ये ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। इसका सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 अथवा प्लूटोनियम 239 का यूज जो है वो किया जाता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है, ये बता चुके हैं। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरीके से होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एस्पार्टम। ऊपर अभी आया था, परंतु यहाँ पर जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सुक्रालोज ऑप्शन देखेंगे बदल जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर सुक्रालोज होता है जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह से होता है। और एक और आया था एस्पार्टम वाला जो शक्कर से भी 100 गुना मीठा था। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H19Cl3O8। इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम आपका जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम बाकी सभी जो है वो हैं। जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? उसे हम सुनम्य कहते हैं। या आघात वर्ध धातुएं भी इसी को ही कहा जाता है। सोना सर्वाधिक सुनम्य धातु है, इसकी अत्यंत पतली पन्नी बनाई जा सकती है पीट कर। कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीला लिटमस को लाल कर देगा, लाल को नीला, लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बेरंग रहेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा क्योंकि नीला होता है कॉपर सल्फेट। एक अकार्बनिक यौगिक रासायनिक सूत्र CSO4, क्यूप्रिक सल्फेट भी इसको कहते हैं। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है और अम्लीय क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला आपका है, इनमें से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? दूध, रक्त, घी या मक्खन? आंसर आपका सी यानी कि घी जो है वो सही होगा। दूध, रक्त और मक्खन कोलाइड है। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित होती है। कोलाइड ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में हो सकता है। घी आपका कोलाइड का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन 41 वाला अभी लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, 42 पर देखते हैं। पदार्थ दिए गए, उपयोग दिए गए और सही मिलान करना है। हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक के रूप में, फ्रेयॉन प्रसीतक के रूप में, नियोप्रीन संश्लेषित रबर के रूप में और बेनाड्रिल प्रति हिस्टो हिस्टेमीन के रूप में। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। कब होती है? आप कहेंगे कील के भार में बढ़त के साथ। चित्र खींचने में जिस धातु के हेलाइड का प्रयोग होता है वो इनमें से कौन सा है? तांबा, सोडियम, चांदी या कैल्शियम? तो चांदी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। चांदी के हेलाइड सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में भी किया जाता है। अगला, अभिक्रिया की दर कब बढ़ेगी? तो आप कहेंगे निकाय का दबाव जब बढ़ाएंगे तब ये दर भी जो है वो बढ़ेगी, तो यही आपका सही होगा। बढ़ते हैं अब हमारे इसी टॉपिक के जो भी 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे और जो टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनमें। तो प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है हीरे के बीज के रूप में। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की HPHT और CVD दो विधियां भी हैं। दोनों विधियों में एक बीज से तथा दूसरे हीरे के एक टुकड़े से जो है वो शुरू होती है। अगला है, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन देखेंगे तो जूनियर में पूछा गया था, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 पेपर 4। सफेदा, सिंदूर, लिथार्ज। तो क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है सफेदा, व्हाइट लेड जो है इसे कहा जाता है। सफेद शीशा है बेसिक लेड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र PbOH का होल्ड टाइज 2PbCO3 होता है। सफेद शीशा एक सफेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील है लेकिन तनु एसिड में घुलनशील है। इसकी उच्च अपारदर्शिता और प्रकाश और मौसम के संपर्क को झेलने की क्षमता के कारण इसका यूज पेंट में होता है। सफेद रंग द्रव के रूप में भी यूज होता है, जीवाणु रोधक के रूप में भी यूज किया जाता है। यह अत्यंत विषैला होता है, सांस लेने में जोखिम पैदा कर सकता है और लेड टेट्रा ऑक्साइड को रेड लाल या लाल सिंदूर, रक्त सिंदूर कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जिसका रासायनिक सूत्र PbO होता है। ये जो हाईलाइट कर रहे हैं इनको याद करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन, BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 यानी ये प्राइमरी में पूछा गया था, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो ये 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इनमें से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? ये वाला हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्राइमरी में क्वेश्चन पूछा गया था। सिरका, हल्दी, खाने वाला सोडा या इनमें से एक से अधिक? तो हल्दी से लगभग सभी का आंसर आया भी था, यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हल्दी जो है वो अम्ल क्षार का संकेतक के रूप में यूज किया जाता है। बाकी अगर देखेंगे तो अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचकों में हल्दी के अलावा लाल बंद गोभी का पत्ता, गुड़हल का फूल आदि भी आते हैं।
हल्दी पीले रंग की होती है, इसे अम्ली विलयन में डालने पर यह पीली हो जाती है, नहीं पीली ही रहती है, और अगर क्षारी विलयन में डालते हैं तो लाल हो जाती है। इसी से पहचान करते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 यानी ये भी प्राइमरी में पूछा गया था। आंसर आपका यहाँ पर व्यंजक चोट जो है वो सही होगा। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस से क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर व्यंजक चोट ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 आपका बनता है। ये आपका रिएक्शन हो गई, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 तो बनेगा क्या CaOCl2 और बचेगा क्या H2O। और ये लिखा भी है प्रतिक्रिया कमरे के टेम्परेचर पर होती है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनता है। अब यहाँ पर थोड़े से विविध वाले भी टाइप में क्वेश्चन जो आए थे उनको भी देख लेते हैं। एक तरफ रंग दिए गए, एक तरफ संयोजन दिए गए, किससे किससे मिलकर बना है, इस तरीके से क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट बीपीएससी प्री 2023 में आए, हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो मेजेंटा नीला और लाल के संयोजन से, टील नीला हरा और सफेद, मोव नीला लाल और सफेद, सियान हरा और नीला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो प्रतिक्रिया की दर को इनमें से एक से अधिक उत्प्रेरक वर्धक भी, समांगी उत्प्रेरक भी, विषमांगी उत्प्रेरक भी, एक से अधिक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी के बारे में एक एक लाइन लिखी भी हुई है। इनमें से एक से अधिक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ना तो उत्प्रेरक वर्धक, ना ही समांगी, ना ही विषमांगी। इस चीज को यहाँ डिफाइन किया गया है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की क्रिया विधि बदल जाती है, धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है जिससे प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। वैसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक एक ही प्रावस्था में रहते हैं वो समांगी होगा, जिसमें एक से अधिक में रहते हैं उसमें विषमांगी होगा, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। इनमें से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो नमकीन पानी, संतरे का रस या नींबू का रस। बिजली का कुचालक जो होता है इनमें से कोई नहीं है, यानी कि आपका सभी के सभी आपके सुचालक है। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ये विलयन की सांद्रता के रूप में जो है वो जाना जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या कहलाता है? नायलॉन है, टेरिलीन है, ट्वीड है या केवलर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आंसर हो जाएगा फाइबर का नाम केवलर। ये कृत्रिम रेशा होता है, गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर मुख्यतः पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है जिसमें एमाइड समूहों का पैराफेनिलीन समूह द्वारा अलग किया जाता है। अगला, इनमें से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3, ये भी 6 से 8 के लेवल पर पूछा गया था। आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी ऑक्टेन संख्या शून्य इनमें से किसी की भी नहीं है। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने के वाला जो अंक होता है वो ऑक्टेन नंबर होता है, और पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी अधिक होती है। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 तथा एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या शून्य होती है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2, आंसर हो जाएगा आपका जैव आवर्धन जो है वो कहा जाता है। क्रमिक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनिम्नीकरण प्रदूषक की बढ़ती मात्रा का संचय है। जैव आवर्धन के प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियां आदि है। अगला, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे हम जैविक आवर्धन के रूप में जो है वो जानते हैं। अगला है, कोलीफॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइमरी में ही पूछा गया है। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। मिट्टी में, पौधों पर भी पाए जाते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी रहती है क्योंकि? बीपीएससी स्कूल टीचर प्राइमरी पेपर 2 शिफ्ट 1, क्यों? क्योंकि ये आपका टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2 बार अब तक रिपीट हो चुका है, केवल प्राइमरी में ही सोचिए। तो बाकी यही आंसर हो जाएगा, प्रतिक्रिया करके भोजन को विषैला बना देगा, इसीलिए यूज किया जाता है। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। और इससे पहले के कोई भी प्रश्न नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है और देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज भी और टॉपिक वाइज प्रश्न भी। तो टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, ये क्या है? भुजा चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिप्सम है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। ये हमारा पूरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी समाप्त हो गया आज के इस वीडियो के साथ ही। अब अगले वाले वीडियो में बायोलॉजी पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।